हेलो स्टूडेंट बेटा, आज हम लोग पढ़ते केमिस्ट्री क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री। ठीक, क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग। कुछ बेसिक चीजें हम लेके उसकी चलेंगे, बट अभी के लिए आप सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो कॉपी और पेन लेके बैठिए और अच्छे से कहीं भी डाउट होता है आप उसको क्लियर कर लीजिएगा, बट इसको अच्छे से एक बार पढ़ते हैं फिर। ठीक, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री का। फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, आपने उसको पढ़ रखा होगा इससे पहले, बट उसके कुछ बेसिक चीज यहां पे लेके चलेंगे। तो अच्छे से इसको देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है मैटर, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका जो स्पेस कवर करता हो, जिसका कुछ मास हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर सिंपल सा, जैसे ये मोबाइल है, अब ये मोबाइल मैं यहां रखूं या फिर यहां रख दूं, ये उतना ही स्पेस करेगा जितना इसका वॉल्यूम बना हुआ जिस शेप में है उतना ही स्पेस करेगा, और मोबाइल उठाने पे आपको इसका कुछ मास फील होगा। मींस एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग और नॉन लिविंग में आप नॉन लिविंग कंपोनेंट लीजिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म लीजिए, अगर वो कुछ स्पेस कवर करता है और उसका कुछ मास हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। ये तो हो गई बात मैटर की, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया। ठीक, अब मैटर मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है बेटा, मैटर डिवाइडेड टू टू स्टेज या टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल और केमिकल स्टेट की बेसिस पे मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। आपने फर्स्ट चैप्टर में जो क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा वो फिजिकल वाला पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में जो आप पढ़ोगे तो कौन सा पढ़ोगे, केमिकल। मैं दोनों को लेकर चला हूं लेकिन मेरा फोकस मेन किस पे है, सेकंड चैप्टर पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर डिवाइड करोगे तो आपको तीन स्टेट मिलती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं आपको रिवाइज करा दूं, मैं फर्स्ट चैप्टर में फोकस नहीं, मेरा मेन फोकस जो है वो सेकंड चैप्टर पे, बट कुछ चीजें आपको फर्स्ट चैप्टर की रिलेट करेंगी यहां से। जैसे मैटर की फिजिकल स्टेट, आपने फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था, तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों में आपने डिफरेंस भी पढ़ा होगा, कुछ प्रॉपर्टी आपने मैटर की भी पढ़ी होगी, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसे हम एटम कहते हैं। क्लियर, ये सारी चीजें आपने वहां डिस्कस की होगी, बट अभी के लिए हम सेकंड चैप्टर पे ही फोकस कर रहे हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में आपने तीनों में डिफरेंस पढ़े होंगे, तीनों में प्रॉपर्टीज, अलग अलग केसेस पढ़े होंगे। ठीक, उस हेडिंग पढ़ी होगी इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, सब्लिमेशन, लिक्विफिकेशन, वेपराइजेशन, इवापोरेशन, ये सारी हेडिंग्स आपने पढ़ी होगी। ठीक, तो अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो मैटर को फिजिकली जब डिवाइड किया गया बेटा तो तीन स्टेट मिली, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और जब इसको केमिकली किया गया तो यहां पे दो स्टेट मिली, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो ये जो आपका है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ये आपका सेकेंड चैप्टर है। अगर आप इसको स्टडी करते हो दिस इज योर सेकेंड चैप्टर, और अगर आप इसको पढ़ते हो तो दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। तो अगर फिजिकल स्टेट पढ़ते हो मैटर की तो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा, केमिकल स्टेट पढ़ते हो केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे तो मैटर के दो पार्ट्स होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर।
तो हम फोकस करेंगे इस पे, क्लियर। चलिए एक बार मैं मैटर को फिर से क्लासिफाई करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी दो पार्ट में डिवाइड होता है, आपने पढ़ा बेटा, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अच्छा, प्योर सब्सटेंस क्या होगा, मिक्सचर में क्या होगा, सिंपल से एक वर्ड में अगर मैं लिखूं, प्योर सब्सटेंस केवल एक कंपोनेंट से मिलकर बने होंगे, इसमें जो भी होंगे कंपोनेंट्स वो केवल एक ही टाइप के होंगे, दूसरा नहीं होगा। जबकि मिक्सचर में क्या होगा, टू और मोर डिफरेंट कंपोनेंट्स आर इवॉल्व, मतलब एक साथ मिक्स होंगे तो वो क्या बनेगा, मिक्सचर। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, जबकि यहाँ पे केवल कितना होगा, एक कंपोनेंट्स होगा। तो प्योर सब्सटेंस, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, क्लियर, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स आपने पढ़ा है, एलिमेंट्स और कंपाउंड आपने एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज ली होगी, जैसे आयरन होता है, लोहा एक एलिमेंट्स है, Fe जिसका सिंबल होता है। अब आयरन की रॉड अगर है तो उसमें 100% क्या होगा, आयरन होगा। अगर उसमें कोई चीज ऐड नहीं की गई है तो 100% उसमें क्या होगा, आयरन ही होगा। तो दिस इज एलिमेंट। कंपाउंड्स, अब एलिमेंट्स में आपको क्या क्या उसमें पढ़ना होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉयड, नॉबल गैस, ये फोर कंपोनेंट्स आते हैं बेटा। एलिमेंट्स में आपको चार कंपोनेंट्स जानने होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड्स और नॉबल गैस। कंपाउंड्स में आपको दो मिलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर बेटा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक है, जिसमें नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक। अभी हम आगे चल के देखेंगे, वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए हो गया आपका, अभी तो मैं केवल क्लासिफाई कर रहा हूँ, इसकी पर्टिकुलर एक डेफिनेशन हम लोग डिफाइन करेंगे। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, अच्छे से इसको पॉज करके आप बनाइएगा, एज इट इज ऐसे ही नोट्स आप बनाइए, बहुत परफेक्ट होगा आपके लिए। तो मैटर को दो स्टेट में किया गया केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में दो कंपोनेंट आए, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में आपको फोर पढ़ने होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और नॉबल गैस। कंपाउंड्स में आपको दो पढ़ने होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर। मिक्सचर में आपका दो होंगे बेटा, होमोजिनस और हेट्रोजिनस। तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर हमको पढ़ना है, और यहाँ पे हमें ये सारी चीजें वन बाय वन पढ़नी है। तो आप इसको पहले अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं पहले फर्स्ट पढ़ते प्योर सब्सटेंस, ये सारी चीजें, फिर ये क्लियर, इसको नोट करिए। चलिए, नोट हो गया होगा आपका। फर्स्ट प्योर सब्सटेंस लिखिए, प्योर सब्सटेंस फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ होमोजीनस, इट इज अ होमोजीनस। सेकेंड, मेड अप ऑफ ओनली वन कंपोनेंट्स, ओनली वन कंपोनेंट्स, ठीक। इट हैज द सेम
केमिकल कंपोजिशन इन द बल्क, बल्क मतलब इसमें इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो सारे एक उनका कंपोजिशन सिमिलर होगा, ठीक। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, मतलब ये इसके फीचर्स है कि प्योर सब्सटेंस एक होमोजेनस कंपोनेंट होता है, मतलब उसमें केवल एक ही टाइप के एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन कंपोनेंट्स, इट हैज द सेम केमिकल कंपोजिशन इन द बल्क, क्लियर। तो ये तो प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस मैंने आपको बताया, दो कंपोनेंट पढ़ने, एक एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। तो पहले हम देखते हैं एलिमेंट्स के बारे में, ठीक। एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स में आपने पढ़ा पहले मेटल, फिर कौन सा बेटा, नॉन मेटल। अच्छा मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स होते क्या है ये जानना है। देखो दोज एलिमेंट्स लॉस their valence electron, those elements lost their valence electron to gain positive charge, comma called metal। अब कोई भी कंपोनेंट, कोई भी एलिमेंट्स होगा, अगर उसके पास ये कैपेसिटी वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके कौन सा चार्ज गेन कर ले, पॉजिटिव चार्ज, तो उस एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटल। अच्छा ये लॉस क्यों करता है, क्यों नहीं करता, ये थर्ड चैप्टर में है, बट अभी के लिए इन शॉर्ट इतना जान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट्स, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील्स बोर, उन्होंने ये कहा था कि एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उस 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे 2.8.1, ये अभी आपके लिए नहीं है, थर्ड चैप्टर में आपको मिलेगा, अभी के लिए समझ लीजिए थोड़ा सा। एक एलिमेंट आपने पढ़ा होगा क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 17, अब 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.8.7, अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये अभी नहीं, ये थर्ड चैप्टर में मिलेगा, लेकिन अभी के लिए आपने एलिमेंट्स ऑलरेडी सुन रखे हैं, क्लास 8 में आपने इतना पढ़ा है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्लोरीन का 17, कुछ लोगों ने इसको भी पढ़ लिया होगा पहले से, क्लियर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका 17, हमने जब इसको इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग सेल में, अलग अलग ऑर्बिटल में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसके लास्ट में 1 आया और इसके लास्ट में कितना आया बेटा 7। नील्स बोर ने क्या कहा था, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, अब इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 7 चाहिए, इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए, टेंडेंसी किसके पास ज्यादा होगी गेन करने की, इसके पास। ये क्या करेगा, इनका एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, जैसे ही देंगे तो इनके लास्ट में कितना बचेगा, तो यहां कोई है नहीं, उस सेल में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब उस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट में कितने हो जाएंगे 8, और यहाँ पे 7+1 कितना हो जाएगा 8। तो जो एलिमेंट्स अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको जब वो लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटल, क्लियर। तो मेटल का क्या हो जाएगा, दोज एलिमेंट्स लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू गेन पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड मेटल, एंड दोज एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं टू कैरी निगेटिव चार्ज, यहां पे लॉस करने पे पॉजिटिव आता है, गेन करने पे कौन सा आएगा निगेटिव चार्ज, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉन मेटल, क्लियर। तो ये डेफिनेशन परफेक्ट है, आप इसी को लिखिएगा, मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं यहां पे, एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, जिंक, एल्यूमिनियम,
सोडियम, ये एग्जांपल किसके है बेटा, मेटल के। ठीक, नेक्स्ट आपका नॉन मेटल। नॉन मेटल के केस में अब ऊपर देखिए लिखा हुआ दोज एलिमेंट्स लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां क्या हो जाएगा बेटा, दोज एलिमेंट्स लॉस सॉरी गेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एलिमेंट, फ्रॉम अदर एलिमेंट कर लीजिए, फ्रॉम अदर एलिमेंट्स कॉमा कॉल्ड नॉन मेटल। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन यही है, दोज एलिमेंट्स गेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जबकि यहां पे क्या लिखा हुआ बेटा, लॉस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्लियर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब क्या है बेटा आपके नॉन मेटल्स हैं। तो इसको आप राइट करिए पहले, फिर आप इसके बाद पढ़ते हैं मेटलॉयड और नोबल गैस, तो आपका एलिमेंट्स कवर होगा, फिर उसके बाद कंपाउंड्स, ऐसे वन बाय वन आप इसको स्टडी कर सकते हो। राइट आउट, ओके बेटा, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं, अच्छा एलिमेंट्स की डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी थी, एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होगी, एलिमेंट्स इज अ प्योर सब्सटेंस which cannot be broken or converted into simplest form, मतलब एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसको ना तो आप तोड़ सकते हो ना उसको कन्वर्ट कर सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में by any physical or chemical process, ना तो किसी physical process से ना फिर उसको chemical process से, उसको break नहीं कर सकते, ये elements की definition। clear, elements में चार आपको पढ़ने हैं, metal, non metal और metalloids and noble gas, second third पढ़ते हैं हम लोग metalloid। Metalloid, those element element shows property of both metal and non-metal, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों प्रॉपर्टी शो करने की कैपेसिटी रखते हैं मेटल्स की भी नॉन मेटल्स की, आर कॉल्ड मेटलॉयड, आर कॉल्ड मेटलॉयड। एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक, सिक्स और सेवन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ऐसे करके हैं, बट अभी दो याद रखिए आप, दोज एलिमेंट्स विच शोज प्रॉपर्टी ऑफ
विच शोज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स, दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटलॉइड। क्लियर। नेक्स्ट आपका है नोबल गैस। नोबल गैस और इनर्ट गैस, नोबल गैस और इनर्ट गैस, स्पेलिंग पे मत जाइएगा बेटा, हो सकता है जगह फॉल्ट हो कहीं पे, इग्नोर करिएगा। इनर्ट गैस, दोज एलिमेंट, दोज एलिमेंट्स डू नॉट लॉस डज नॉट लॉस डू नॉट लॉस डू नॉट लॉस और गेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज देयर वैलेंस सेल लास्ट आउटर मोस्ट वैलेंस सेल आउटर मोस्ट वैलेंस सेल ऑक्टेट आउटर मोस्ट सेल फुलफिल और कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनके लास्ट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ना किसी से गेन करते हैं, उस एलिमेंट्स को बेटा क्या बोलते हैं, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। क्लियर। तो नोबल गैस इनर्ट गैस एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, मेटल की डेफिनेशन क्या थी, दोज एलिमेंट्स लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू गेन पॉजिटिव चार्ज, उसे मेटल, एंड दोज एलिमेंट गेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कैरी नेगेटिव चार्ज कॉल्ड नॉन मेटल, दोज एलिमेंट सोज विच सोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों की प्रॉपर्टीज हो करे उसे मेटलॉइड, और ऐसे एलिमेंट्स जो ना इलेक्ट्रॉन लॉस करे डू नॉट लॉस और गेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर ऑक्टेट कंप्लीटेड, मतलब इसका ऑक्टेट पूरी तरह से कंप्लीट, इसमें लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नोबल गैस, तो उसे नोबल गैस बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखोगे आप एग्जाम्पल में, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ईटीसी कर दीजिए आप, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऐसे करके हैं, ठीक। तो आप कितना याद रखिए, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैस है, 6 हैं, ठीक। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं, मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होते हैं, बहुत अच्छे से नोट डाउन करिएगा, कहीं भी कोई डाउट होता है आप मुझे मैसेज करके, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और एक चीज और बेटा, अगर आप ये लेक्चर देखते हो तो प्लीज कमेंट करके कंफर्म कराइएगा कि आपने देखा है, अपना नाम लिख के जरूर भेजिएगा, जो भी क्वेरी होगी आप जरूर भेजिएगा, मुझे भी पता चलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में भी। क्लियर। तो इतना तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, क्या क्या प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, इसको आप नोट डाउन करिए अच्छे से। चलिए आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ग्रामेटिकली नहीं लिख रहा हूं, आप इसको ग्रामेटिकली अरेंज करिएगा, अदरवाइज
जैसे मैं लिख रहा हूँ एज इट इज ऐसे ही लिख लीजिएगा, आपको डिफरेंसेस याद होने चाहिए, ठीक। अगर आपको लगते हैं तो आप ग्रामेटिकली अच्छे से लिख लीजिएगा बेटा। जितने मेटल्स होते हैं, मेटल शोज डक्टिलिटी, मेटल शोज मैलेबिलिटी, metals are hard, all metals are solid, इनका melting point ज्यादा होता है, high melting point, यहां पर देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ, मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। क्यों? क्योंकि इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। आप इतना लिख सकते हो, मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट, कैन कट इजिली विथ नाइफ। इतना आप ऐड कर लीजिएगा, मैं ऐसे ओरली बोल दे रहा हूं, अदरवाइज यहां पर एक्सेप्ट लिख के हम काम चला सकते हैं। मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट, दे कैन कट इजिली विथ नाइफ, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इसलिए हार्ड नहीं होते। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सारे मेटल सॉलिड होते एक्सेप्ट मर्करी, किस फॉर्म में होता है? लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक। आपको एक दो एलिमेंट्स और भी मिलेंगे एक्सेप्शनल केस में, बट आपकी बुक के अकॉर्डिंग अभी मरकरी है, और भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप कहिएगा तो उसको भी मैं बता दूंगा, उसको भी आप लिख लीजिएगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक, एक्सेप्ट गैलियम, ठीक, गैलियम मरकरी, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कम होता है। अच्छा, मेटल सोल डक्टिलिटी, नॉन मेटल डू नॉट सोज डक्टिलिटी एंड और मेलेबिलिटी। बेटा स्पेलिंग पे ज्यादा फोकस मत करिएगा, हो सकता है कहीं कहीं फॉल्ट हो सकती है, उन्होंने कह रहा है। तो मेटल्स नॉन मेटल प्रॉपर्टी कौन से शो करता है? सोज नॉन मेटल सोज ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। थर्ड, जितने मेटल्स होते हैं हार्ड, नॉन मेटल्स आर सॉलिड लाइक डायमंड, लिक्विड लाइक ब्रोमीन, गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये सब आपके किस फॉर्म में होंगे? गैस फॉर्म में। तो मतलब नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। हाँ, वो अदरवाइज है कि लिक्विड में केवल ब्रोमीन ही है, डायमंड आपका सॉलिड में, ग्रेफाइट आपका सॉलिड में है, कई नॉन मेटल्स, कार्बन आपका सॉलिड, कोयला कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है। तो नॉन मेटल तीनों स्टेट में, अलग अलग नॉन मेटल अलग अलग स्टेट शो करते हैं। लेकिन मेटल्स में मोस्टली मेटल्स कैसे होते हैं बेटा? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड फॉर्म में आपका कौन सा मिलेगा? मर्करी। क्लियर? हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, लो मेल्टिंग पॉइंट सोज लो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड मोर देन 3700 डिग्री सेल्सियस। मतलब डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक।
हाई मेल्टिंग पॉइंट ये हो गए, एक पॉइंट को ये मैंने, अच्छा ठीक ये हो गए। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे मेटल सोज सोनोरस प्रॉपर्टी, मैं यहां लिख दे रहा हूं सोज लस्चरस प्रॉपर्टी, लस्चरस सोज सोनोरस नॉन मेटल डू नॉट सो कैन नॉट सो लस्चरस प्रॉपर्टी एक्सेप्ट डायमंड, कैन नॉट सो सोनोरस, ये सोनोरस प्रॉपर्टी भी सो नहीं करता। तो इसको अभी नोट डाउन करिए, आगे कुछ पॉइंट्स और है वो भी मैं डिस्कस करता हूं, अभी के लिए इसको नोट डाउन करिए बेटा। ओके बेटा, तो ये प्रॉपर्टीज, इतनी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज और है, जैसे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ठीक एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स में क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना तो इसके पास कंडक्टिंग पावर होती है हीट की ना तो इलेक्ट्रिसिटी की, बट ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग कंडक्टिंग पावर ज्यादा होती, मतलब वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ डिफरेंसेस है बेटा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके अलावा एक दो डिफरेंसेस और हैं, वो आपको बुक से मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, बट इतना बेनिफिशियल है आपके लिए, क्लास नाइन्थ के लिए बेनिफिशियल है अच्छे से, क्लियर। इसको अच्छे से नोट करिए, और कोई भी डाउट होता है प्लीज आप मुझे मैसेज करके लिख के कमेंट बॉक्स में लिख के इन्फॉर्म करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। ये हो गया आपका प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स के बारे में। अब बात आती है कंपाउंड्स की। एलिमेंट्स आपने फोर पढ़े, मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड और नोबल गैस, ये आपने फोर पढ़ रखे। इसके अलावा भी कई चीजें अभी पढ़नी बाकी है, जैसे कंपाउंड्स अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा। कंपाउंड्स में हमने बताया था कंपाउंड ही हेडिंग है शायद, कंपाउंड
इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स एंड इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन डिफिनिट प्रोपोर्शन इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाई मास मतलब कंपाउंड्स एलिमेंट्स आपने पढ़ा केवल एक टाइप के कंपोनेंट से बना होता है, कंपाउंड्स में दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, और फिर एक इक्वल प्रोपोर्शन बाय मास मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल मैं आपकी जनरल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, जैसे H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl सॉल्ट, ये सब क्या है, कंपाउंड है। कैसे, जैसे इसमें देखिए, आप देखो इसमें H4 क्या होता है, हाइड्रोजन, O4 क्या होता है, ऑक्सीजन। H2O में हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, CO2 में कार्बन है ऑक्सीजन है, NaCl सॉल्ट में सोडियम भी है क्लोरीन। लेकिन मैं आपको अगर पानी पीने के लिए दूं कि पानी पीजिए, आप पानी पीने के बाद आप ये बताइए कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन हो चुका है, ना कि फिजिकली, आप उसका स्वाद नहीं बता सकते। CO2 हम नहीं बता सकते उसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। NaCl नमक खाते हैं ना हम, सॉल्ट खाते हैं, लेकिन सॉल्ट खाने के बाद हम ये नहीं बता सकते इसमें सोडियम मिलाया गया और क्लोरीन मिलाया गया। बट कैसे और अच्छे से कैसे समझ सकते, ये तो हो गया केमिकली कंबाइन, इसलिए हम इसका स्वाद नहीं बता पा रहे, इसका मतलब ये कंपाउंड है। जैसे आपके घर में जब दाल बनती है, दाल हम खाना खाते हैं ना, उस दाल चावल सब्जी रोटी, जब दाल बनती है आपने पढ़ा दाल में पल्सेस, हल्दी, टर्मेरिक, सॉल्ट, वाटर और कुछ स्पाइसी मसाले, ठीक। आप बताइए क्या आपको इन सबके कंपोनेंट्स पता नहीं चलते, अगर दाल में नमक ना मिलाया जाए तो आपको दाल अच्छी नहीं लगेगी, आप तुरंत कहते हो नमक नहीं पड़ा इसमें। इसका मतलब यहां पे जितने कंपोनेंट्स हैं सब अपना कैरेक्टर शो कर रहे हैं, पल्सेस अलग शो कर रही है, हल्दी अलग कलर को शो कर रहा है, नमक अलग कलर शो कर रहा है, वाटर ज्यादा होगा तो डाइल्यूट हो जाएगी, कम होगा तो डार्क होगी, कैसी, मतलब हर एक कंपोनेंट्स अपना अपना फीचर शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट्स अपना फीचर शो नहीं करते, वो केमिकली कंबाइन होके एक फीचर शो करते हैं, तब जाके हम उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड्स। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, कंपाउंड्स नहीं है, ये क्या है, मिक्सचर है, इनको ऐड किया अगर मिक्सचर में आपको सारी चीजें पता चलती। जैसे आप शरबत पीते हो, शरबत में आप क्या मिलाओगे, पानी, वाटर, शुगर, शुगर के अलावा आप क्या ऐड कर सकते हो, कर्ड, दही, थोड़ा सा नींबू। लेकिन इसको पीने के बाद क्या हम सारे कंपोनेंट्स को क्लियरिफाई नहीं कर सकते, तुरंत बता देंगे क्या क्या उसमें ऐड किया गया, कौन सा ज्यादा अमाउंट में है, कौन सा कम अमाउंट में, यहां तक हम बता देते हैं। तो वो क्या होता है बेटा, मिक्सचर, क्योंकि वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते, कैसे होते हैं, फिजिकली कंबाइंड होते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड ध्यान रखिएगा, केमिकल कॉम्बिनेशन, ये केमिकली कंबाइंड होते हैं, क्लियर। तो कंपाउंड्स की डेफिनेशन हो गई, अब कंपाउंड्स की एग्जांपल हो गए। कंपाउंड्स में एक चीज और आपको मैंने वहां लिखा था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिख लीजिए, दोज कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन ओनली,
ऐसे कंपाउंड जिस जो कार्बन से बने होते हैं, कार्बन से रिलेटेड, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आपको नेचुरली मिलेंगे, वो ऑर्गेनिक एसिड में इंक्लूड होता है, बट यहाँ पे मोस्टली नेचुरली आपको मिलता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, उससे रिलेटेड एलिमेंट से बने, मतलब कार्बन जरूरी है वहां पे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन को छोड़कर बाकी कंपोनेंट सारे होंगे, जैसे NaCl इनऑर्गेनिक है। अब इनऑर्गेनिक में आयनिक है या आयनिक नहीं है, कोवेलेंट है, वो अदरवाइज है। बट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ये सिंपल सा डिफरेंस है, दोज कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड दोज कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ अदर एलिमेंट, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन से ना बना, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये अच्छे से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपका मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर में हमने पढ़ा, मैटर को केमिकली डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंस मिक्सचर में, प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई कर लिया, मेटल, नॉन मेटल, नोबल गैस, मेटलॉइड, कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ लिया। अब बात आती है आपकी मिक्सचर की, तो कुछ मिक्सचर में इंसॉर्ट समझ लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ये लेक्चर देखते हो बेटा, तो प्लीज एक बार कंफर्म करके अपना नाम लिख के जरूर सेंड करिएगा कि आपने देखा और आपको कैसा लगा, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, मिक्सचर। अब मिक्सचर में आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, दो में डिवाइड होता है मिक्सचर, होमोजीनस और हेटरोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर और हेटरोजीनस मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर में कंपाउंड्स पे डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको कि कंपाउंड्स जो होता है वो फिजिकली नहीं, केमिकली कंबाइंड होते हैं और उसमें किसी कंपोनेंट्स का पता नहीं चलता है। मिक्सचर में आपको कंपोनेंट्स पता चलेंगे और कैसे कंबाइन होंगे, फिजिकली कंबाइन होंगे, केमिकली कंबाइन नहीं होंगे, क्लियर। होमोजीनस मिक्सचर में आपको पढ़ना होता है बेटा ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, और हेटरोजीनस मिक्सचर में आपको पढ़ना होता है सस्पेंशन, और सेकंड वन कोलाइडल सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, ये मिक्सचर टॉपिक, ये हेडिंग आपको क्लास 12th में फिर से मिलेगी, वहां चैप्टर का नाम होगा सॉल्यूशन, ये एक चैप्टर होगा और ये एक चैप्टर होगा सस्पेंशन कोलाइडल सॉल्यूशन, आपको सरफेस केमिस्ट्री में मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छे से 9th आपका बेसिक होता है, इसको अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपको 11th 12th की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इजी तो नहीं लगेगी, बट हाँ इतना इजी होगा कि आपके समझने में आसानी होगी। तो ये ध्यान रखना, वहां पर एक चैप्टर ही होगा पूरा सॉल्यूशन चैप्टर है क्लास 12th में, और ये सस्पेंशन कोलाइडल सॉल्यूशन एक चैप्टर में जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो यहां पे केवल बेसिक चीज है, वो बेसिक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 12th में जब टीचर आपको पढ़ाएंगे, टीच करेंगे, तो वहां पे आपके लिए आसान होगा इस चीज को समझ पाना। तो अभी के लिए बेटा 9th क्लास है, बेसिक चीजें बहुत अच्छे से समझिए, कोई डाउट होता है तुरंत पूछिए आप, बट वी कॉन्सेंट्रेट होके। तो होमोजीनस मिक्सचर में ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन कोलाइडल सॉल्यूशन किसमें आता है बेटा, आपका हेटरोजीनस। पहले सबसे बात आती है मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, केमिकली इन्वॉल्व नहीं होते, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। और इसमें कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे, अपना कैरेक्टर शो करेंगे, जैसे सॉल्ट, सैंड एंड वाटर। अगर मैं तीनों चीज ऐड कर दूं तो क्या आप नहीं बता सकते, बिल्कुल बताएंगे कि उसमें सॉल्ट ऐड है, और सैंड और वाटर तो हमें सेपरेट हो जाएगा, वो तो तुरंत अलग हो जाएगा, इसका मतलब दोनों अलग है, अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ठीक। तो ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन, ये हमें अच्छे से ब्रीफली पढ़ना है, ठीक। ये पढ़ने के बाद आपको एक हेडिंग पढ़नी होगी, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक बेटा। ये आपको हेडिंग अलग से पढ़नी है, एक आपको मिलेगा टिंडल इफेक्ट। तो ये वन बाय वन बेटा हम स्टडी करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये चैप्टर का 50% पोर्शन, 50 का 40% पोर्शन हमने पढ़ लिया है, 60% पोर्शन मान लीजिए 60% पार्ट बचा हुआ है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप यहीं से शुरू करेंगे, फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग मिक्सचर और मिक्सचर की डेफिनेशन लिखनी, फिर उसको हमको क्लासिफाई करना है। क्लियर? तो जितना मैंने अभी पढ़ा है इसके पहले उसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं कहां से बेटा, मिक्सचर से। क्लियर?